हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बनाएंगे फर्नीचर और वो फर्नीचर होगा कंसोल। सो सबसे पहले हमें रेफरेंस इमेज चाहिए जो हम बनाने वाले, तो हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट में जाते ही हम जो भी इमेज है हमारा रेफरेंस है उसे सिलेक्ट करेंगे इंपोर्ट। यहाँ पे क्लिक करना, हमें साइज़ देखना है कितना बड़ा रखना है। ने किया, अब रोटेट टूल से मैं इसे स्ट्रेट कर देता हूँ। ओके, तो हम इसका साइज़ लेते हैं। इसका साइज़ हम 1800x450 ले लेते हैं। सो मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा, यहाँ से रेक्टेंगल टूल आप ले सकते हो, उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है आर। सो 1800x450 एंटर। मैं इसे थोड़ा आगे मूव कर लेता हूँ साइड में। ओके, अब हम इसका हाइट ले लेते हैं 750। हमने हाइट 750 ले लिया, सॉरी 800 लेते, 50 और मैं कर देता हूँ, तो ये टोटल हाइट मेरा ये है 800। ओके, मेजरिंग के लिए आप मेजरिंग टू टेप ले सकते हो। यहाँ पे मेजरिंग टूल, इसका शॉर्टकट की है टी, टी से आता है, कीबोर्ड शॉर्टकट टी है। देन ये नीचे का डिस्टेंस हम छोड़ देंगे, पहले हम ये फ्रेम बना देते हैं एक्चुअली जो दिख रहा है हमें मेटल का। सो हम ये मेटल फ्रेम बनाएंगे लगभग 25 mm, और यहाँ पे जो आप देख सकते हो मैं mm में काम कर रहा हूँ। अगर आपको फीट इंचेस में करना है कैसे वो करे, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वो जाके ज़रूर देख लेना। आपको अगर यूनिट्स चेंज करना है स्केचअप के अंदर, देन इससे मैं पुश पुल कर देता हूँ। यहाँ से पुश पुल पी शॉर्टकट है, यहाँ से आप टूल ले सकते हो पुश पुल, कीबोर्ड शॉर्टकट है पी। ओके, मैंने पुश पुल कर दिया, देन इसे ये लाइन सिलेक्ट करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसी फ्रेम है, तो मैं इसे मूव कर देता हूँ 25 25 सिलेक्ट करके। मैं इसे कॉपी करता हूँ लाइंस को, 25, ये 25 कॉपी हो गया। ओके, देन मैं इसे पुश पुल नीचे कर दे रहा हूँ, ऊपर का ये रहेगा साइड का, तो हमें ये फ्रेम मिल गया जो चाहिए। और पीछे आप देख सकते हो कि ऐसे गया है मेटल जो। ओके, हमें ये मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ग्रुप कर देंगे, मेक ग्रुप। ग्रुप करने के बाद हम नीचे से यहाँ से 150 छोड़ देंगे, टेप से मैं 150 मार्क कर रहा हूँ, 150। ओके, 200 ले लेते, या 180, सॉरी 180 ले लेते। ओके, 180 लेने के बाद हम यहाँ से यहाँ एक रेक्टेंगल बना देंगे, और इसे ये देख सकते हो कि आप एक ग्रूव है, तो ग्रूव दे देंगे लगभग 6 mm का, 6 mm का ग्रूव दे दिया हमने। अब इसे भी, इसे हम ये डिलीट कर देंगे अभी, समझो डिलीट। डिलीट करने के बाद ये लाइंस जो हमारे आउटर लाइंस रहेंगे इसे भी सिलेक्ट कर लिया हमने और डिलीट कर देते। ओके, देन अगेन मैं इसे डिवाइड करने के लिए मैं एक लाइन सिलेक्ट करूँगा, इसका राइट क्लिक करके डिवाइड, ये 4 पार्ट में डिवाइड करना है हमें, तो हमने 4 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैं एक शटर पहले बनाऊँगा, एक शटर पहले मैं बनाऊँगा, तो ये मुझे एक शटर का साइज़ मिल गया। और मैं इसे आप देख सकते हो कि अभी मैं इसे इक्वली डिवाइड करूँगा, कॉपी करूँगा, तो ग्रूव नहीं बीच में आएगा, तो मैं 2 mm का ग्रूव यहाँ से दे दूँगा, 2 mm ग्रूव। तो एक्चुअल शटर साइज़ मेरा ये है, क्योंकि मेरा ये साइड भी मुझे ग्रूव चाहिए, तो मैं इसे पुश पुल करता हूँ 20। अभी मैं क्या करूँगा कि इसे ग्रूव कर देता हूँ। ग्रूव करने के बाद मैं इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, या यहाँ से भी ठीक है। अब कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, पेस्ट इन प्लेस। तो ये पेस्ट इन प्लेस बेसिकली करता क्या है, मेरा ग्रुप के अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट कॉपी रहेगा उसे मैं सेम जगह पे पेस्ट कर सकता हूँ बाहर ग्रुप के, पेस्ट इन प्लेस एग्जैक्ट सेम जगह पे होगा। अब मैं इसे थिकनेस दे देता हूँ 25 mm, और मैं इसे अगेन कॉम्पोनेंट बना दूंगा। अब मैं अंदर जाता हूँ, कंपोनेंट से क्या होगा कि मुझे सब एक एक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये सेंटर पॉइंट हमें एक चाहिए, तो मैं सेंटर पॉइंट एक ले लेता हूँ। नीचे से ये पॉइंट का डिस्टेंस हम पहले लेते हैं, तो हम लगभग 130 ले लेते हैं। ओके, देन हमारे पास ये दो पॉइंट तो है ही, अब इसका हम सेंटर लेंगे। ये यहाँ से डिस्टेंस लिया, अभी ये पॉइंट का यहाँ से सेंटर ले लेते हैं, सेंटर में क्योंकि वो, तो हमें ये पॉइंट एग्जैक्ट ये वाला मिल गया, ये पॉइंट। ओके, अब इसे बाहर ले लेते हैं लगभग 20 mm। एक मैंने लाइन बनाया, बेसिकली हमें सीवीए लाइंस कनेक्ट करने चाह रहे हो कॉर्नर्स को। देख सकते हो कि ये बन चुका है एग्जैक्ट वैसे। ओके, लेकिन मैंने अभी नोटिस किया कि ये थोड़ा ऑफ सेंटर है, हमारा ये सेंटर में हो गया, तो हम कंट्रोल जेड करेंगे, इसे थोड़ा सा पॉइंट को 50 mm वहाँ साइड में मूव कर देंगे, 30 mm। अगेन सारो पॉइंट्स को लाइन हम कनेक्ट कर देते, एक पॉइंट को अपने आप ये फेस क्रिएट कर देगा, ये बन चुका। अभी हमारा ये कंपोनेंट है ये, तो हम इसे क्या करेंगे, मिरर करेंगे। मिरर के लिए JHS पावर बार में है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो कैसे मिरर करने का। तो हम इसे अब मिरर कर देंगे, हमने मिरर कर दिया। ओके, देन अगेन मैंने जो पहले लाइन डिवाइड किया था, हमने जो वो यहीं पे, तो हम अगेन वापस इसे मैं मिरर कर देता हूँ। ये मिरर हो चुका। बट अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रूव हो चुका है हमारा 4 mm का, बट यहाँ पे नहीं है। तो अभी यहाँ पे करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे 2 mm ये साइड, इसे 2 mm ये साइड, ये हम इसे सिलेक्ट किया, एस कमांड स्केल सेंटर पॉइंट लिया, यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया। अगेन इसे भी यही करेंगे, ओके। अब मैं जाके यहाँ से सारे गाइडलाइंस डिलीट गाइड डिलीट कर देता हूँ, ये हमारा शटर बन गया। अभी इसे हमें सिर्फ फ्लिप करना है, तो मैं इसे ऊपर फ्लिप अलोंग राइट क्लिक करके ऑप्शन आएगा फ्लिप कॉलम ब्लू एक्सेस, सेम अगेन इसे भी राइट क्लिक करके ब्लू एक्सेस। तो आप देख सकते हो कि ये बन चुका है। अब हमें यहाँ पीछे का जो ये पोर्शन है, अभी हम इसे क्या करेंगे, 25 जो हमने बाहर लिया है उसे 25 अंदर मूव कर देंगे, 25 डाल के 25 मूव कर दिया हमने। अगेन रेक्टेंगल टूल लेता हूँ मैं, पूरा यहाँ तक बना के इसे पुश पुल कर दूंगा, देन ग्रुप। ओके, हमारा ये बन गया, हमें अब बस ये लेग्स बनाने हैं पीछे के। तो मैं क्या करूँगा, 25x50 का मैं यहाँ पे लेग बना देता हूँ। अगेन मैं इसे पुश पुल करता हूँ यहाँ तक, फिर इसे 25 लाइन ऊपर मूव करके मैंने कर दिया। अभी मैं ये लाइन कैसे मैंने लिया, मैंने इसे कॉपी किया। अगर मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो देखिए पूरा ये मूव हो रहा है, मैं कंट्रोल दबा दूंगा तो ये कॉपी हो जा रहा है। तो मैं कंट्रोल दबा के 25 डिस्टेंस डाल दूंगा यहाँ पे और एंटर, तो ये मूव हो चुका है। देन अगेन पुश पुल इसे मैं ऊपर कर दूंगा, ये हो गया। अभी मैं इसे कॉम्पोनेंट बना दूंगा, कॉम्पोनेंट एंड ग्रुप के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कंपोनेंट ग्रुप का। तो यहाँ पे है ही, तो अगेन मैं इसे मिरर कर दूंगा, ये लाइन सेलेक्ट करके इसका सेंटर मिला मुझे, मिरर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हो जाके। सो ये हमारा ये रेडी हो गया। तो इसके ऊपर हम मटेरियल अभी डाल सकते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो स्केचअप का मटेरियल है, यहाँ पे हम जाते हैं मटेरियल्स में, इसे सिलेक्ट करता हूँ वुड वीनियर पे, देन हम इसे अप्लाई कर देते हैं इस पर।
देन में चाहिए तो हम इसका साइजेस बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने बढ़ा दिया है, कलर भी चेंज करना हम कर सकते हैं। ओके देन मैं जाता हूँ यहाँ पे, नॉर्मल सा कलर ले लेता हूँ जो नीचे लैग का है, थोड़ा गोल्डनिश जो है। देख सकते हो मैंने ये मटेरियल अप्लाई कर दिया। ओके सो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगा सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।